नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। तो देखिए, आज हमारी टीम पहुंच गई है बुंदेलखंड के झांसी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई की धरती है और यहां की हर एक महिला के दिल में रानी लक्ष्मीबाई बसती हैं। यहां की हर एक महिला के दिल में रानी लक्ष्मीबाई वाला साहस भी है। तो देखिए, लोकसभा का माहौल है, लोकसभा का माहौल में हम या महिलाओं से बात करेंगे कि उनके मन में क्या है, वो क्या क्या अपने मन में लेकर जाएंगी और मतदान करेंगी और उनकी क्या क्या मुद्दे रहेंगे 2024 के लिए। तो क्या नाम है आपका? रामवती। तो आप कब कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हम भी मुझे 20 साल से रहे, कम से कम 25 साल से। 20 साल से हमें कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। अच्छा, ये बताइए, हम दे तब में ऑटो आ जाती है। मौजूदा सरकार जो है वो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बड़े बड़े वादे जो है कर रही है कि महिलाओं को बहुत कुछ प्रोवाइड किया गया है, बहुत सारी योजना है। जैसे उज्ज्वला योजना की हम बात करें तो सबसे पहले सर उज्ज्वला योजना पर जाएंगे कि आपको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, जिसमें गैस सिलेंडर का नहीं मिला, लाभ नहीं मिला ना हमारे यहाँ को। वो आंगनबाड़ी बोली मिलती है और हमारे स्कूल नहीं है हमारे पास, और नल टूट जाता है। आपके पास नल टूट जाता है तो फिर नान जी सुबह भी नहीं आती। तो बच्चों को किधर पढ़ा रही है? छोटे छोटे बच्चे, छोटे बच्चे हमारे तो अभी सुजवा जाते हैं पढ़ा भी। कहाँ जाते हैं? सुजवाए, बहुत दूर पड़ता होगा, सुजवा जाते हैं पढ़ा। कैसे जाते हैं? अब गन्ने का चले जाते हैं, पैसा होते तो टेम्पो चले जाते हैं। आसपास कोई स्कूल नहीं है? नहीं। तो यहाँ के जो प्रत्याशी साहब हैं उनसे कभी बातचीत करने की कोशिश करी आपने? अपनी शिकायतें कभी सरकार तक पहुँचाई? कोई आई नहीं है, किससे शिकायत करें? हमारी सुनाई नहीं होती है। क्या कह रही है? क्या दिक्कत है? हमारी सुनाई भी नहीं होती, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आपका ये बच्चा आपका ही है? हमारा। कहाँ पढ़ रहा है ये? कहीं नहीं पढ़ता, वो छोटा है तो कहाँ चला जाए पाते पढ़ने के लिए। हाँ, स्कूल इसलिए मतलब नहीं पढ़वा पा रही है। गरीब है, आसपास कोई स्कूल नहीं है। यही नहीं है यहाँ स्कूल, स्कूल यही नहीं है ना, ना हमको कभी कुछ फ्री चीज नहीं है यहाँ मिलता, ना कोई साधन है, ना कोई चीज नहीं है यहाँ। तो बिल्कुल नहीं, आंगनबाड़ी की सुविधा भी बिल्कुल नहीं है, ना आंगनबाड़ी की सुविधा है, हमें ना कुछ नहीं है। परेशान होते अब बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे बताओ इतनी दूर। अब गरीब है नहीं है पैसा, तो नगद भी जा रहा है, रोड चालू है, बहुत सी परेशानी है। हम जो सोचते हैं यहाँ स्कूल आ जाए, आंगनबाड़ी खुल जाए तो कुछ सुविधा मिल जाए। सरकार बोलती है कि महिलाओं के महिलाओं को आरक्षण के लिए भी बहुत ज्यादा सुविधा महिलाओं को दी जा रही है, महिलाओं को आगे रखा जा रहा है कई जगहों पर। और शिक्षा व्यवस्था, योगी सरकार कहती है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए लगातार काम कर रही है और यहाँ पे स्कूल ही नहीं है। बताइए, नहीं है ही नहीं है स्कूल, हम कह रहे है ही नहीं है यहाँ पे स्कूल। कम से कम बहुत दूर जाना पड़ता है स्कूल, तो जाना पड़ता है। कितना किलोमीटर लगभग दूर है? मीटर कम से कम 4 किलोमीटर। हाँ, और बच्चे हाईवे रोड पार करके जाते, 6-7 साल की लड़की। बहुत ज्यादा डर लगता है, बच्चे छोटे छोटे हैं। देखो अब हर कोई को लगता है जब तक बच्चा इतना बड़ा नहीं जाता स्कूल, अब जे देखो 4-5 साल के इन्हें पढ़ावे, अब मम्मी को इतना टाइम भी नहीं है। सरकारी जमीन में रह रहे तो आदमी बात ही भगा देते हैं। जब कौन भगा देते हैं? अब आते हैं हम कौन कोशिश करते हैं आपको निकालने की। अब हमें तो पट्टी चाहिए ना रहने के लिए, हम 20 साल से रह रहे हैं तो कम से कम इतनी तो हमें। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे रहने के? आपकी बच्ची है? हाँ। तो पढ़ाई कर रही है? हाँ कर रही है। बहुत दूर पढ़ने जाती? हाँ बहुत दूर जाती है। देखिए ना, आपसे मेरी जितनी बात हुई है तो कई आपने योजनाएं भी गिनाई और कहा कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा अभाव है जानकारी का, लेकिन इन महिलाओं से बात करके लगता है कि इन्हें तो मतलब एक छोटी से जो छोटी सुविधा होती है जैसे जरूरी सुविधा कहते हैं, जैसे शिक्षा हुई, शिक्षा बहुत जरूरी सुविधा है समझ रही है बच्चियों के लिए, और यहाँ पे वो मतलब है ही नहीं, आसपास कोई स्कूल नहीं है। तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? मैंने आपसे यही कहा कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है लेकिन लोकल स्तर पे जो है वो यहाँ तक विकास हो रहा है, शहरीकरण। देखिए गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, यहाँ पर काम नहीं दिख रहा ना, काम नहीं है, वही इनका कहना है। क्योंकि मैं इनसे जब से जुड़ी हूँ मैं प्रयास कर रही हूँ, मैंने एप्लीकेशंस दिए हैं, मैंने बोला है, शिकायतें की हैं, उन पर मुझे आश्वासन भी मिला है और मैंने यहाँ के प्रधान से भी बात की है तो उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है कि मैं जरूर और जल्दी ही इनकी समस्याओं को करूँगा। लेकिन इन लोगों की समस्या ये है कि दीदी आप तो आते हो पूछते हो चले आते हैं, और भी आते हैं पूछते हैं प्रयास करते हैं, लेकिन लोकल स्तर पर हमसे ना ही कोई आज तक मिलने आया है, ना ही किसी ने हमारी समस्याओं को ध्यान में रखा है। दूसरी बात, यहाँ पर हम रहते हैं सरकारी जमीन पर रहते हैं, हमें आवास का वो नहीं मिला है, तो मैंने उसके लिए भी बात की है और मैं अपने स्तर पे जितना कर सकती हूँ, जितना इन्हें जानकारी दे सकती हूँ, जितना इन्हें बता सकती हूँ, इन्हें जागरूक कर सकती हूँ, मैं उतना करती हूँ। बाकी ये कि इस बार फिर से, क्योंकि अभी कुछ टाइम से जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि हाँ इतना है कि हाँ यहाँ पर पाइपलाइन डली हुई है, पानी आने में थोड़ा सा टाइम है, और इस बार तो क्या यहाँ पानी की सुविधा भी आपको नहीं मिल रही है? कुछ नहीं है ना पानी की जहाँ एक और जो देखिए जहाँ पर एक और सरकार
संसद में ये बिल पारित करती है कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अब 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा तो आप समझ रहे हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे किया जा रहा है। वहां पर इस गांव में महिलाओं के लिए पानी की सुविधा नहीं है, बहुत ही मतलब जरूरी सुविधा जो है आपके पास नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा नहीं है, तो उस 33% का आप क्या करेंगे? बाहर जाते हैं हम लेटरिन करने। 33% जो जिसके वादे कर रही है सरकार उसका फिर आप क्या करेंगे? आपको तो यहाँ पे पानी की भी सुविधा नहीं मिल रही है। नहीं है पानी की है। मोदी जी को जब भी वोट देंगे जब हमको सब सुविधा हो जाएगी, पानी की, लाइट की और हमारे जो राशन की काकत की जो बोलो ये सब चीज की हमारे यहाँ राशन की बात करें तो या तो आपको अनाज नहीं मिल रहा, अनाज भी तो दिया जा रहा है। अरे 5 किलो मिलता है, उसमें क्या होता है, 4 बच्चा है हमारे, मिलता है सब। क्या क्या मिलता है उसमें? उसमें चावल और गेहूँ मिलते, बस मिलता है आपको राशन तो मिलता है, राशन कार्ड है जो आंगनबाड़ी का नहीं मिलता है आपको? नहीं मिलता क्यों? नहीं हमें मिलता ही नहीं है। अच्छा आपका राशन कार्ड यहाँ का नहीं होगा? आपको मिल रहा है? आंगनबाड़ी के नहीं मिल रहा, वैसे राशन तो मिलता है हमको। वैसे 5 किलो अनाज आपको मिलता? हाँ मिलता है। मिलता है आपको? नहीं राशन कार्ड नहीं है ना सिलेंडर है। सिलेंडर नहीं मिल रहा? अरे उज्ज्वला योजना है तो गैस सिलेंडर तो आपको होना चाहिए ना आपके पास? हमारे पास ही नहीं है। गैस मिली थी? चूल्हा मिला था? नहीं कुछ भी नहीं मिला। आपको चूल्हा मिला था? हाँ मिला था सर, मैं मिला था पहली बार। तो उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हा किस किस को मिला है यहाँ? हमें मिला चूल्हा। आपको मिला है? आपको आपको नहीं मिला? आपने उस योजना में नहीं अपना? हमने नहीं आ रही हमारे पास, पेंडिंग में जा रहा है। ये मेरी देरानी छोटी इसका बता रहा है पेंडिंग में जा रहा है, तो मैं मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है सिलेंडर? 5 महीने हो गए कागज जमा करे। तो जैसे कि सरकारी जमीन पे आप रह रहे हैं, क्या क्या और परेशानी है आपको रोजमर्रा की जिंदगी में? यहाँ पे आते हमारा पट्टा हो जाए, यहाँ पट्टा हो जाए, हम नीचे हमको हरदम भगाते हैं, हम भगे नहीं यहाँ से। भगाते करीब में? अच्छा यहाँ से आके भगाते? हाँ भगाते हैं, पुलिस आ जाती है, अधिकारी आ जाते हैं टूरने के लिए, और टूर देते हैं, गाड़ी लड़ा देते हैं, मशीन लड़ा देते हैं, हम जी नहीं जाते हैं। कई बार तोड़ के जा चुके हैं क्या? पहले टूर गए थे पहले, और अभी आते अधिकारी हमसे कहते पर्ची कटाओ, 5 तारीख कटाओ, 10 तारीख कटाओ, हम कहाँ से कटाए? तो आप देखिए जितना आप इन लोगों को लेके कभी चौकी या पुलिस स्टेशन या कहीं ऐसे अधिकारी के पास लेके नहीं गई इन सबको कि कभी भी इनके घर के तोड़ने के पास हम लोग नहीं, डीएम के पास हम लोगों ने जब हमें जानकारी हुई इस चीज की तो ये लोग डीएम के पास गए थे और डीएम के पास जाकर इस चीज का ज्ञापन भी दिया गया है और डीएम साहब ने आश्वस्त भी किया है, लेखपाल को भी कहा गया है। और जब से मुझे नहीं लगता इनके पास कोई आया होगा और या इन्हें परेशान किया गया होगा, जहाँ तक है इनका आवास की जो इनकी समस्या है, जहाँ तक आवास की समस्या है तो आवास की समस्या कैसे कि इन लोगों के फॉर्म डाले गए हैं, जो पात्र होंगे उन्हें जरूर उस चीज का लाभ दिया गया है, जैसे कि यहाँ कुछ लोगों को मिला भी है उसका लाभ, लेकिन वो इनकी समस्या है कि वो इनके काफी दूर है। मिले हैं कुछ लाभ आपको योजनाओं के? कुछ नहीं, नहीं मिली हमें कॉलोनी नहीं मिली। अच्छा जब आपकी बच्ची होगी ना, तो जब आप गर्भवती थी तो उस दौरान भी सरकार ने बोला कि गर्भवती महिलाओं को मातृ वंदन योजना का लाभ मिलेगा जिसमें से महिलाओं को 6,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है? आपने उसमें अप्लाई किया था क्या, ऐसी कोई सुविधा मिली आपको? नहीं कुछ नहीं। आपने उस पर अप्लाई नहीं किया, देखा ही नहीं? अच्छा आपने डिलीवरी वो जो मातृवंदन योजना का आपको लाभ मिला, बच्ची है आपके, बच्चा है? हाँ बच्चे तो हैं, लेकिन बेटी है? बेटी है 4। अच्छा। एक लड़का है, 5 बच्चे हैं, 5 चार बेटी हैं, शिक्षा पढ़ रही हैं? हाँ। तो वहीं जाती हैं? सिचवाहा में जाती हैं सारी लड़की। कौन छोड़ने जाता है? अकेले जाती है। अकेले जाती है? हाँ। यही तो कह रहा है, अकेले जाती है हाईवे से। चिंता रहती होगी बच्ची? हाँ जब तक लौट के नहीं आती जब तक चिंता रहती है बच्ची। हमारे दोनों बच्चे छोटे छोटे अकेले आए, कोई लुआने नहीं जा पाया, दोपहर में धूप हैगी और मतलब बच्चे जाते हैं नहीं रहते पैसे तो महिलाएं हैं देखिए, और पानी की सुविधा यहाँ पे नहीं है, कैसे रोज की जिंदगी को कैसे मैनेज करती हैं? 3 साल होगा बच्चियों को पढ़ते पढ़ते, 3 बार खाता दे चुके बैंक का, पैसे ही नहीं आते, पैसे भी नहीं आ रहे स्कूल के, 3 साल बच्चे नहीं आ रहे खाते में, पैसे नहीं आ रहे, मैडम से बोलते हैं भाई कहते पैसे आ गए हैं, चेक कराने जाती नहीं आते पैसे, चेक करने जाते हैं आपने सबने करा हुआ है? करा है, चेक का खान मतलब लिंक हो गया है, पैसे नहीं आ रहे बच्चन के, 3 साल हो गए दोनों बच्चे। सही है, जैसे प्राइवेट समूह लेते हैं उसका तो पैसा आ जाता है, ये सरकारी क्यों नहीं आता, इसमें कमी क्यों दिखाते हैं, इसमें कहते हैं तुम्हारे उसमें कमी है खाता में कमी। राम राम। आप भी यहीं से हैं? हाँ, यही रहती है। हाँ। तो आपको क्या लगता है चुनाव है 2024 का किसकी सरकार चाहती है, किसको? अच्छा मतदान किसको? मोदी। क्यों क्यों मोदी?
क्यों मोदी क्यों चाहते हैं? अच्छा, सिलेंडर तो मिल गया, सिलेंडर मिल गया आपको, चूल्हा मिल गया, और इसके अलावा और भी कोई योजना आपको लाभ मिला हो जिसका आवास योजना? नहीं उसका। अच्छा, पक्के मकान का लाभ मिला है किसी को? पक्के मकान आवास योजना आपको मिला है? हाँ, क्या मिला है? कॉलोनी आई थी, कॉलोनी आई थी। तो कहाँ है आपका वो घर? वो है उधर, वहीं पर आप रहती हैं? अच्छा घर है। कैसे मिला आपको? तो इन महिलाओं की क्यों नहीं मदद बताइए, इनको कैसे मिलता है? बनी है इस तरफ, मतलब चार पांच कॉलोनी आई है, हमारी तो आ गई। अच्छा, आपका आप उसी में रह रहे हैं? हाँ, उसी में रह रहे हैं। कैसा घर है, कितने रूम है, कितने कमरे? एक रूम है और एक किचन है और बरंडा बस। तो उसके लिए कुछ पैसा आपको देना पड़ा था या बस आपने फॉर्म भरा तो मिला? पैसा तो हमें नहीं देना पड़ा था, मगर हमने छतरी डरवा दी थी तो पलस्तर हमने करवाया, फर्श हमने करवाया, जैसे पुताई मुताई जी करवाई हमने, और कुछ नहीं। आपको? हमारा तो आया थी कॉलोनी, लेकिन फार्म भरा और हमने देखा एक लिस्ट में नाम है, लेकिन इन्हीं के साथ में इनकी बन गई। हमारे तो आज कितने साल से, चार पांच साल से सुनते कि कॉलोनी आ रही और लिस्ट में से नाम चला जाता। तो ऐसी क्या दिक्कत हो गई? आपके बगल में खड़ी है, मिला है ना कुछ परेशानी आपके, कोई डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो, कोई ऐसी दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है, सब है, हम पूरे लिखा पढ़ाई कागज वगैरह सब लगे हमें, लेकिन पता नहीं है इसे लिस्ट में से नाम कटवा देते जो विरोधी है, बस अपने साथ नाम कटवा देते। हाँ, नाम कटवा देते। हम हर बार सुनते कि हमारी कॉलोनी आ रही, लेकिन बनी बनाई पूरे कागज सबके सब कुछ हो जाते, लेकिन हमारी कभी नहीं हुई। और किस किस को मिला है? तीन बार फॉर्म भर दिया कॉलोनी का, आवास की बात कर रहे हैं, आवास का। हाँ, अभी तक नहीं आया, तीन बार फॉर्म भर दिया। आप किसको मिले हैं? और दो आवास हमें मिले। आपको दो मिले हैं? दो कैसे? एक लड़का को मिला था, एक हमको। अच्छा, तो वही रह रही हैं? हाँ, वही में रहते हैं। तो चलिए, एक तो ये तो बहुत अच्छी बात है, छत मिल गई। और भी मिला था बगल में, चमेली नाम की एक लड़की, वो उसको भी मिला था। उसको भी मिला था। हाँ, और तो पानी की समस्या वहाँ भी आपको क्या? पानी की वहाँ समस्या है, पानी में तो पूरे मोहल्ला में। पानी क्यों हो रही है पानी की समस्या अभी? ऐसा मतलब इस जनरेशन में भी पानी की समस्या आपको हो रही है? शिकायत करिए यहाँ के जो आपके प्रत्याशी है। अगर बिगड़ जाए तो सुधराने नहीं आते हम लोगों को, चंदा पानी भरती है सर। अगर बिगड़ जाए तो कोई नहीं सुधरवाएगा, चंदा जोर के सुधरवाना पड़ता है, चंदा जोर के भरते हैं पानी, कोई पैसा नहीं लगाता पैदा, कोई पैसा नहीं। जिनके पास है पैसा, उनके पास नहीं है तो उनका दम देते, पैसा काहे नहीं दे, तब कहाँ से दे बताओ? कौन बोलता है सर? अब बोलते हैं जैसे जो देगा तो बोलेगा, ये भी तो है। अच्छा, जो देगा तो बात लग रहा है मुझे। हमारा नहीं लग रही है, लेकिन हम तो बता रहे हैं। नहीं, ये बात सही है, जो हमारा नहीं है। देखो, जो देते हैं के दे, हम जी तो कह रहे हैं। मतलब आप लोग जो आप लोग आपस में चंदा करते हो और वो उससे हेडपंप ठीक कराते हो, खराब हो जाता। अब जो नहीं, नहीं उसमें समरसेबल डलवाया है ना, तो वो खराब हो जाता, फूट जाता। कुछ कहना चाह रही हैं? बताइए। आवास योजना आपको मिली है? इधर आइए। आवास योजना आपको मिली है? नहीं। कोई भी सरकार की योजना आपको मिली है? आधार कार्ड नहीं है। अच्छा, यहाँ का नहीं है? नहीं है। आधार कार्ड तो है, राशन नहीं मिलता है मैम। क्यों? यही को है आधार कार्ड। हाँ, हाँ। इन सबको तो राशन मिलता है? ना, हमें नहीं मिलता है। तो तुम बनवा लो ना आधार कार्ड। 5 किलो अनाज मिल रहा है? हमें माँ की तरफ से नाम कटेगा जब मिलेगा यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा होगा। अच्छा, तो पानी की समस्या से आप लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं? हाँ, है ना। तो मतलब एक हेडपंप में पूरे, मतलब हमें भी है दीदी, और ये रोड नहीं डल लिया, हमें रोड से बहुत दिक्कत है। ये आपका बेटा है? हाँ, बेटी है ये। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कितनी उम्र हो गई इसकी? इधर सामने आइए। 6 महीने का हो गया। 6 महीने की है? तो जब गर्भवती आप थी तो सरकार की एक योजना है जिसे बोलते हैं मातृ वंदन योजना। हाँ। उसमें जब आपको 6,000 रूपए लिए इसके लिए आपने? नहीं मैम, फॉर्म नहीं भरा था? नहीं, कुछ नहीं दिया। तो कैसे मिलेंगे? फॉर्म भरा था लेकिन कुछ नहीं दिया। फॉर्म भरा था? हाँ। आपके पास आप लाभ नहीं उठा पाई उसका? नहीं, उसका पैसा भी नहीं आया। इसका फॉर्म भरा तो सब कुछ चला गया, लेकिन पैसे बिल्कुल भी नहीं आए मैम। बिल्कुल भी पैसे नहीं आए आपके पास? और हमारे पास अभी ये घटना हो चुकी है, जैसे प्रधानमंत्री योजना ये फोन आया था हमारे पास, आवास योजना। हाँ, बोल रहा था कि प्रधानमंत्री की तरफ से तुम इतने पैसे डालो, तुम्हारी कॉलोनी आ चुकी है, जी वो ऐसे बहाने दे पैसे डालो। हाँ, ऐसा हमसे 65,000 रुपया डलवा लिया। 65,000 रुपया किसने ले लिया? पता नहीं किसने ले लिया। कोई फ्रॉड कॉल होगा? हाँ, ऐसा ही। सरकार नहीं करेगी ऐसा कॉल? हाँ, ऐसा ही कर लिया हमारे पास के प्रधानमंत्री का, जी वो कॉलोनी आ जाएगी। डाल दिए 65,000? हाँ। देखिए, इस माध्यम से मैं ये भी आपको बताना चाहूँ कि ऐसे कोई भी कॉल आपके पास अगर आते हैं तो बिल्कुल इग्नोर करिए,
जब तक आपके पास पूरी जानकारी नहीं है कोई भी पैसा किसी भी खाते में मत डालिएगा, क्योंकि बहुत फ्रॉड कॉल आजकल चल रहा है। 1000 रुपया इन्होंने डाला है, डाल दिया हमने, बोल रहा था जी वो तुम्हारे बच्चों को घर मिल जाएगा जी, और वो कॉलोनी आ जाएगी, तुम इतनी डाल दो तुम्हारे जी, तुम डाल ला ये भी निकल आएंगे, और तुम्हारी कॉलोनी आ रही है सुबह भी आ जाएगी, बहाने से पूरे पैसे डलवा लिए और उसमें से एक पैसा ही वापस निकला कर दिया। आपने कभी दोबारा फोन करा, कांटेक्ट करने की कोशिश करी? करा, मैं पुलिस को रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन उसने स्विच ऑफ कर लिया, बोला हम पैसे नहीं देंगे चाहे तू। फ्रॉड कॉल था वो? हाँ ऐसा ही बंद ही कर लिया, पर पता ही नहीं चला कौन था कहाँ का था। अच्छा, तो ये 65,000 रुपए आपके तरीके से डूब गया। क्या यही रहती हैं आप? यही पे रहते हैं, इसी जगह में रहते हैं। इसी जगह पे रहती हैं। तो परेशानी होती है, यहाँ पर लोग आ जाते हैं खाली करवाने के लिए, बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। क्या करते हैं आपके? होटल पे काम करते हैं। होटल में काम करते हैं। ये आपकी एक और बच्चा है कि जी वाला हमारा बच्चा है? ये भी ये लड़का है? हाँ ये लड़का है, ये लड़की है। हाँ। अच्छा, और बताइए किस किस को क्या क्या समस्या है, 2024 में क्या क्या मुद्दा आपका होगा? हाँ बताइए, आइए। सर मेरा नाम चमेली है जी। मैं करवानी माता पहाड़िया, करवानी माता पहाड़िया से बोल रही हूँ, और लगभग कम से कम 15-20 साल मुझे इधर हो गए रहते रहते। 15-20 साल हो गए मैं रहती रहती, और लोग भाग आते हैं सरकारी के बहाने से, कहते हम सरकारी आदमी हैं और क्या नाम के मतलब खाली करो, नहीं मारपीट करते, कहीं लड़कन को मारते, कहीं किसी को मारते, अगली बार हमारे लड़के को मारा था। आपने कंप्लेन नहीं करी पुलिस को? पुलिस पहले बुलवा ली थी उसने। अच्छा हाँ, और पुलिस लेकर आया था अपने साथ? नहीं नहीं, बाद में फोन किया था, उसके बाद में पुलिस आई थी। अच्छा हाँ, तो मारपीट की, हमारा लड़का भाग गया, तो हमने भैया हम रोने लगे गाने लगे कि भैया हमारा लड़का है और पता नहीं कहाँ चला गया, तो हमें पकड़ के एक साइड में कर ले आके, मतलब आप मत बोलो कुछ, तुम्हारे लड़के को कुछ नहीं होगा और यहीं पे होगा। तो प्रधान भी आ गया, पुराना प्रधान, नए प्रधान सब आ चुके थे, लेकिन किसी ने कब जब कुछ तो देखिए, जिस तरीके से ये बता रही है तो गुंडा राज हो गया भाई। अब योगी सरकार कहती है कि उनके राज में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, गुंडा राज नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार में मौजूदा सरकार जो है इसमें ये जो हो रहा है आपके साथ, जो भी हुआ ये गलत नहीं? जो हुआ है ठीक है, कुछ लोग हमारे पड़ोस के हमारे साथ में लगे थे और कुछ लोग नहीं लगे थे, घर से बाहर भी नहीं निकली थी। यहाँ पे जो इतनी औरतें मौजूद है, कुछ बाकी थी, कुछ मतलब आ गई थी, कुछ भी एक भी नहीं आई थी हमारे साथ, कोई नहीं आया था। आप इन्हें बुलाती? किसको बुलाते, उस टाइम हमारे ऊपर बीत रही थी तो हम ही भुगतते ना। सारी महिलाएं कह रही है मिली है? हमें तो मिली भी नहीं, हमें तो इतने, हम तो हमारे तो 15-16 वोट है, एक भी नहीं मिली हमें तो। 15-16 वोट है और बिल्कुल नहीं मिली भी? हाँ पूरे, हम तो पूरे वोट देते, इतना परिवार है, एक भी नहीं मिले हमें तो। दमी और देते दाऊ भैया यहाँ पे रह रहे के, अब हमने तो उसके शान भरे हैं, वो मशीन के वो फॉर्म भरा है शान के लिए, चार बार फिर रहे शान ही नहीं कर रहे, प्रधान के शान चाहिए तो साइन नहीं कर रहा, अब मिलते ही नहीं है, घूमे आ भैया जी होता। अच्छा आप भी यही रहती हैं? पीछे इधर आइए जरा। शादी हो गई आपकी? अभी नई शादी हुई है क्या आपकी? नहीं, कितना? 3 साल हो गया। यही रहती हैं? तो ये पानी की जो समस्या यहाँ पर है, क्या समस्या इतनी ज्यादा यहाँ? मतलब पानी है तो, लेकिन प्रधान सुधरवाते नहीं है। बिल्कुल नहीं है पानी, बिल्कुल सारी पानी नहीं है, एकदम भी सरकारी, हमने खुद सुधरवाओ, हमने अपने परिवार में 100-200 रुपया जोड़ के, ये आया जब मोटर बिगड़ जाती तो प्रधान कभी सुधरवा ही नहीं रहा है, अब खुद सुधरवाया सरकारी हैंडपम्प। हमारे गैया वैसे सब मर रहे प्यासन, बिल्कुल पानी नहीं है, पीछे पड़े रहे कर नहीं देते, खोल ले मतलब नल काट लिए, अपने अपने खेतों में डाल लिए बस। मोदी जी की तो गलती नहीं है ना, मोदी जी तो आएंगे नहीं, ठीक है ना? कह रही है मोदी जी की गलती नहीं है, लेकिन जो यह प्रधान है, अच्छा ठीक है ठीक है, मैडम कह रही है मोदी जी की गलती नहीं है, लेकिन जो यह प्रधान है, जो प्रत्याशी है, अगर आप वोट देंगी तो भैया मोदी जी की शक्ल पे देंगी, अब मोदी जी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? तो बताइए जी, अब यहाँ कुछ देखने के लिए आ रहे कि किसको कॉलोनी दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं? सही प्रत्याशी मैडम कैसे चुनने, अगर प्रत्याशी इन्होंने खराब खड़ा किया है और इन्हें इनकी मजबूरियों से वोट देना, तो सही प्रत्याशी ये कैसे चुन ले? मेरा कहने का मतलब है कि जब यहाँ नहीं, मेरा कहने का नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा सिर्फ इतना, मेरा सिर्फ कहने का इतना बना है, तो उस पर अभी हमें कोई लिख के गए थे अधिकारी यहाँ जो भी आए हुए, केस को गिरा दिया जाएगा। हाँ तो हमने कहीं आ जाना, बोले परसों आएंगे तो हम गिरा देंगे, हमने कि हम सामान निकाल के अपना बाहर रख लेंगे, फटक देना, तो हमें मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब आपके ही
आपके ही मोहल्लों से आपके ही जगह से प्रत्याशी खड़े होते हैं, दो चार प्रत्याशी खड़े होते हैं प्रधान के लिए भी खड़े होते हैं ना, आपको उनकी बैकग्राउंड आपको उनका पता होता है, आपको उनकी पॉलिसीज पता होती है, जब आप प्रत्याशी चुनते हैं तब क्यों आप ये बात नहीं कहते कि भाई साहब हम आपको वोट तब देंगे, आप हमारे देखिए अंधे होके वोट मत डालिए, आप वोट डाल रहे हैं तो अपने वोट मतदान का हक इनका, तो जो कहते हैं कि हम सब करवाएंगे तुम्हारे लिए, सब करवाएंगे, कॉलोनी दिलाएंगे, काम करवाएंगे, अब हमें घर पे चल के देखिए हमें एक गेट खड़ा नहीं करने दे रहे, कॉलोनी मिल गई हमको, आवास भी नहीं मिले, फार्म भरे सब गुम्मा भी नहीं रखने दे रहे, हाँ नहीं सही, हमें घर पे देखे आप गैया भैंस जा रही हम कुछ भी मजदूरी करने जा रहे हैं, राइट भी तो है कि आप उनके खिलाफ शिकायत दें, आप उनकी कमियों को बताएं, आप अधिकार बिनाई में घुसे हम कहाँ से शिकायत दे रहे हैं। अगर हम बात करें अयोध्या के बारे में तो अयोध्या में बहुत सालों से एक बात जो अटकी हुई थी जो थी रामलला प्रतिष्ठा, अब अयोध्या में मोदी जी रामलला को लेकर आए, इस बारे में आपको खुशी है क्या कहना चाहेंगे? हाँ है खुशी, क्या नहीं है, हमें तो सबने रामलला को बैठा दिया अपने घर में, ऐसे हमें भी अपने घर में बैठा दे खुद की जगह, हमारी तो देखो जो जय नरेंद्र तपैया डली, हमें भी मोदी जी जैसे भगवान जी को बैठा दिए ऐसे एक एक आवास बना के हमको भी बैठा ले तो हमें खुशी भी होगी कि चलो जनता, बिल्कुल सही बात, नहीं सही बात है बिल्कुल, कितने कितने परेशान है, बरसात में पानी आता पूरा घर में भर जाता, जो बकरी है हमारी उसका पानी घर का घराई में भरता, नली भी नहीं है एक भी, और हाँ बाहर पानी निकालते तो लोग गाली रखते कि बाहर क्यों निकाल रहा पानी, नालियाँ नहीं बनी, जब नालियाँ नहीं बनी नाली बनेगी तभी तो पानी निकालेंगे, एक दूसरे के आगे निकालते तो वो लटिया लेके खड़ा हो जाता मानने के लिए, बताओ अबे हमारे हुआ जा दरवाजे में नली का पानी भरा, हमारे दरवाजे में नली का पानी, स्कूल बनवा दीजिए। अच्छा तो अच्छा ये बताइए कि आप मतदान डालने जाएंगी तो किसको अभी वोट देंगी 2024 के लिए? जिसको पूरी जनता देगी मोदी जी को, हम दे देंगे, हम भी मोदी को देंगे, हम भी मोदी को देंगे, किसको देंगे हम तो जो हमें तो सब श्रद्धा कर रहे हम तो मोदी जी को देंगे, हाँ देंगे मोदी जी को, क्योंकि उनकी सरकार में हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई अत्याचार नहीं है, खुलेआम घूमते कहीं भी जाते, सुरक्षा को लेके सरकार कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल सही, मौजूदा सरकार सुरक्षा को लेकर काम कर रही है, भ्रष्टाचार तो नहीं है, महिला सुरक्षा को लेके सरकार काम कर रही है, तो एक मिनट चुप हो जाइए, महिला सुरक्षा को लेके काम कर रही है सरकार, हाँ कर रही है, तो किसको वोट देंगी? प्रधानमंत्री को, मोदी को ही देंगी, आप किसे देंगी? मतलब योगी को देंगे वोट ना, मोदी किसे देंगे? मोदी को देंगे, मोदी को ही देंगे, हाँ मोदी को देंगे, मतलब इस बार भी मोदी सरकार मोदी को देंगे, सही करेगा उन्हीं को देंगे, और जो गलत होगा तो उन्हें कैसे देंगे, वो तो जो देगा वो चुनेगा कि किसे देंगे किसे नहीं देंगे, अब उनकी सरकार में सब ठीक होगा तो फिर उन्हीं को देंगे जी बिल्कुल। तो देखा आपने बुंदेलखंड के झांसी की महिलाओं की जो है ये राय थी, जिनको आदि आबादी कहा जाता है उनकी ये राय थी, उन्होंने सबने अपनी राय बताई है, छोटी छोटी समस्या यहाँ पे महिलाओं को है, हालांकि जैसे कि आवास की बात कर ले, पानी की बात कर ले, स्कूल की बात कर ले, बच्चों के लिए शिक्षा यहाँ पे अभी पूरी तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रही है, स्कूल यहाँ पर अभी प्रोवाइड नहीं है, बता रही है महिलाएं कि जो स्कूल है वो घर से बहुत ज्यादा दूर है, तो उनकी जो बच्चियां है उनको बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ता है, तो ऐसी कुछ समस्या है यहाँ पे महिलाओं की, झांसी बुंदेलखंड की झांसी की ये महिला है जो एक यहाँ पर हम गांव में आए हैं, ये जो गांव की महिला उनकी समस्या है, बाकी बहुत सारी अलग अलग बातें हमें यहाँ पे जानने को मिली है, महिला की मन की बात हमने जानी है कि 2024 में किस मुद्दे को लेकर वो जो है मतदान करने जाएंगी, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों से हम महिलाओं की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे, जब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।